तो हेलो मेरी फ्लैग फैमिली, जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था, मैं अपने 2v2 टूर्नामेंट के ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो लेकर आऊंगा। तो बिना किसी देरी के फटाफट से स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं रिवॉर्ड्स के बारे में। तो जो टीम इस 2v2 टूर्नामेंट में फर्स्ट आएगी उसको मिलेगा 350 रुपीस का वाउचर, जिससे आप पोकेमोन यूनाइट का बैटल पास खरीद सकते हो। जो टीम सेकंड आएगी उनको मिलेगा 100 रुपीस का वाउचर, और जो टीम थर्ड आएगी उनको मेरे चैनल की मेंबरशिप मिलेगी, फ्लैचलिंग बनने का मौका मिलेगा मेरे चैनल के ऊपर। तो ये रहा रिवॉर्ड पैटर्न हमारा। अब बात करते हैं रजिस्ट्रेशन के बारे में। रजिस्ट्रेशन होगा 13th August से 16th August तक हमारे डिस्कॉर्ड सर्वर के ऊपर। तो जिन्होंने भी सब्सक्राइब नहीं किया फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, और डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन नहीं किया तो लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, क्लिक करके फटाफट से डिस्कॉर्ड सर्वर भी ज्वाइन कर लो। अगर आपके पास ऑलरेडी अपना टीममेट है, अपना पार्टनर है, तो फिर उनको भी आप डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन करने के लिए बोल दो। और अगर आपके पास पार्टनर नहीं है तो डिस्कॉर्ड सर्वर के ऊपर एक सेक्शन बना रखा है फाइंड माय पार्टनर करके, तो आप वहां पर जाके अपना पार्टनर ढूंढ सकते हो, जस्ट लाइक टिंडर। तो अब टूर्नामेंट रूल्स की बातें कर लेते हैं। इन टोटल 7 रूल्स है। रूल नंबर 1, सिर्फ बॉटम और मिडिल पाथ ही अलाउड है पूरे टूर्नामेंट में। अगर आप टॉप पाथ पे जाते हो तो आप एलिमिनेट हो जाओगे टूर्नामेंट से। रूल नंबर 2, फर्स्ट रूल को एक्सटेंड करते हुए कि आप सिर्फ बॉटम और मिडिल फार्म को ही ले सकते हो, टॉप फार्म लेना अलाउड नहीं है। रूल नंबर 3, इसी तरह से आपको बॉटम प्लेट्स के ऊपर ही स्कोर करना है, टॉप प्लेट्स के ऊपर स्कोर करना अलाउड नहीं है। रूल नंबर 4, हुपा पोकेमोन बैंड है इस टूर्नामेंट से। रूल नंबर 5, ड्रैगनो और जैबडोस लेना अलाउड है इस टूर्नामेंट में, पर रोटोम लेना नहीं। रूल नंबर 6, फुल हेल्थ के साथ अपनी ही प्लेट्स पर खड़े होकर कैंपिंग करना अलाउड नहीं है। अगर आप 20 सेकंड से ज़्यादा फुल हेल्थ के साथ अपनी प्लेट्स के ऊपर खड़े रहते हो तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, या फिर आपकी माइनस मार्किंग होगी स्कोरिंग के टाइम पे। तो इसलिए फाइटिंग का टूर्नामेंट है, फाइट लेनी है आपको, कैंपिंग नहीं करनी है। कैंपिंग का टूर्नामेंट अपन फिर कभी कर लेंगे, और उसमें मैं जीतूंगा क्योंकि ओपी कैंपर बुलाते मुझे। ओके, रूल नंबर 7, टॉप फार्म लेना अलाउड नहीं है। तो अगर आपके डीकोए ने भी टॉप फार्म मार दिया तो फिर आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, इसलिए अपने डीकोए का ध्यान रखें। तो ये बात हो गई टूर्नामेंट के रूल्स के ऊपर। अब बात करते हैं टूर्नामेंट के जजमेंट सिस्टम के ऊपर कि आपको कैसे जज किया जाएगा पूरे टूर्नामेंट के अंदर। जजमेंट बेस्ड होगा पॉइंट सिस्टम के ऊपर, और पॉइंट्स आपको अर्न करने पड़ेंगे पूरे मैच के दौरान। 1 kill = 1 point काउंट किया जाएगा। तो आपकी टीम मेंबर्स जितने किल्स करेंगे उतना ज्यादा आपको पॉइंट्स मिलेंगे, और एडिशनली 100 का स्कोर = 1 point कंसिडर किया जाएगा। तो आपके टीममेट्स जितना स्कोर करेंगे उतना आप बेनिफिट में रहोगे। तो आपको स्कोर पे भी फोकस करना है और किल्स पर भी। और अगर किसी रीजन से दोनों टीम का स्कोर इक्वल हो जाता है और किल्स वगैरह भी इक्वल रह जाते हैं तो फाइनल डिसीजन मेरा होगा कौन सी टीम जीती है और कौन सी नहीं। तो बस इस वीडियो में इतना ही है। आई होप आपको रिवॉर्ड पैटर्न, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, रूल्स और जजिंग मैकेनिज्म समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो आप वीडियो पीछे जाकर फिर से देख सकते हैं, आपको समझ आ जाएगा। और अगर आप मेरी इस मेहनत को अप्रिशिएट करना चाहते हैं तो लाइक के बटन को दबा दीजिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपका दोस्त कोई भी अगर इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करना चाहता है तो प्लीज उनके साथ ये रूल्स वगैरह शेयर कर दीजिएगा। और अगर इस टूर्नामेंट के बीच आपका कोई भी डाउट हो तो मैं रेगुलर स्ट्रीम करता हूँ 3 बजे से 6 बजे पोकेमोन यूनाइट की। आप साथ में खेल भी सकते हो और डाउट क्लियर भी कर सकते हो लाइव। अभी मैं चलता हूँ, ऑल द बेस्ट सबको और लव यू ऑल।